विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर, फीकस सिर्फ 5,000 रूपए, नकदिया आसान अकसात पर, नेटको फार्मा, पीएनजी, जॉनसन एंड जॉनसन, एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल कंपनीज के करीब, गेटेड कम्युनिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। फौरी मुलाकात करें विन सिटी डेवलपर्स, ऑफिस एड्रेस बिसाइड चॉइस फंक्शन हॉल। तेलंगाना के कंट्रोवर्शियल बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह ने मुनव्वर फारूकी पर फिजिकली असॉल्ट करने की धमकी दी थी। जब नौजवान स्टैंड अप कॉमिक ने 20 अगस्त को हैदराबाद में अपने शो का ऐलान किया था, गोशा महल एमएलए जो मुस्लिम मुखालिफ और अफरत अंगेज तकारीर जारी करने के लिए मशहूर हैं, उन्होंने ऑनलाइन जारी करदा एक वीडियो में कहा कि अगर शो चलता रहा तो तकरीब के मुकाम को जला दिया जाएगा। बीजेपी के रहनुमाओं ने इस साल जनवरी में फारूकी के पहले शो में खलल डालने की धमकी दी थी। राजा सिंह ने वीडियो में कहा कि हम इस होटल को जला देंगे जिसने तकरीब की इजाजत दी है, हम मुनव्वर फारूकी पर फिजिकली अटैक करेंगे। इनका मजीद कहना था कि माजी में जब हमने इन्हें ना आने की धमकी दी तो वो डर गए और नहीं आए। एक बार फिर तेलंगाना हुकूमत मुनव्वर फारूकी को हैदराबाद लाने की कोशिश कर रही है, अगर ऐसा हुआ तो इसके संगीन नतायज होंगे। फारूकी ने चारशंबे के रोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया कि वो 20 अगस्त को डोंगरी टू नौहियर के नाम से अपने प्रोग्राम में परफॉर्म करेंगे। अभी मुकाम की तस्दीक नहीं हुई है। तेलंगाना के वजीर और टीआरएस लीडर केटी रामाराव ने इस साल के शुरू में कर्नाटक में इनका एक शो मंसूख होने के बाद कॉमेडियन को खुला दावतनामा जारी किया था। राव ने कहा था, हम वाकई एक कॉस्मोपॉलिटियन शहर में है, हम शोज को सिर्फ इसलिए मंसूख नहीं करते कि हम सियासी तौर पर उनके साथ मुंसलिक नहीं है, हम तमाम सकाफतों का खैर मकदम करते हैं और तनकीद का भी खैर मकदम करते हैं। पेश है A18 तेलंगाना न्यूज से ये खसूसी रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने के लिए चैनल को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें। मल्लोकसारी 20 अगस्त की मल्लोकसारी आ मुनव्वर फारूकी ने पिलवाने की प्रयत्न चेस्तुन्नारु। कार्यक्रम मेनू इंका डिसाइड कालेदु, कानी आयन वस्तुन्नानि ओक मेसेज ऐसे वच्चिंदि। नेनु सीरियस गा चेप्तुन्ना, తెలంగాణలో ఇవాళ లా అండ్ ఆర్డర్ ఏ విధంగా ఉంది యావత్ తెలంగాణ ప్రజలకి తెలుసు, కానీ ఇంకా కూడా లా అండ్ ఆర్డర్ పాడి కావద్దు, డిస్టర్బ్ కావద్దు, అంటే ఇట్లాంటి వ్యక్తులకి పిలవద్దు అని నేను కేటీఆర్ గారికి చెప్తున్నా. పిలిస్తే మళ్ళా ఏమైతుంది చూడండి. ఆయన ప్రోగ్రాం ఎక్కడుంటే అక్కడ పోయి ఆయనకి కొడతాం. ఎవరైనా ఆయనకి ప్రోగ్రాం చేయనికి ప్లేస్ ఇస్తే అది కాల పెడతాం.